मौजूदा पार्षद कर रहा था नशे का काला कारोबार, खेल रहा था नौजवानों के भविष्य के साथ। सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पार्षद के पास से 5,20,000 की इसमें की बरामद। मौके से पार्षद समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस को एक के बाद एक नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर उनकी धरपकड़ कर रही है, जिसके चलते सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नशे का काला कारोबार करने वाले दर दर कांप रहे हैं। इसी कड़ी में सिविल लाइन पुलिस ने आज रविवार को आदर्श कॉलोनी में छापेमारी की, जहां पुलिस ने मौजूदा पार्षद शिवराज सिंह गुज्जर के यहां से 52 ग्राम स्मेक, जिसकी कीमत 5,20,000 रुपए है, साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 12,320 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां सभी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें, नशे का काला कारोबार करने वाले शिवराज सिंह के हौसलों को पुलिस ने पस्त कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि पार्षद इलेक्शनों में होने वाले खर्चे का पूरा खर्चा उठाता था, इसीलिए वह नशे का काला कारोबार से फल फूल रहा था। ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं को शिवराज के बारे में मालूम ना हो। वो कहावत तो सुनी होगी कि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। शायद यही वजह होगी कि कांग्रेस के पार्षद शिवराज सिंह गुज्जर नशे का काला कारोबार करता आ रहा था और नौजवान युवा को नशे का आदि बनाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन मुरादाबाद की सिविल लाइन पुलिस ने कांग्रेस के पार्षद के हौसले पस्त करते हुए 5,20,000 की स्मेक के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस सभी अपराधियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आपका कौन सी पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। ऐसा कुछ सुनना में आया, आप स्मैक का कारोबार करते हैं, काफी पैमाने पर आप स्मैक का काम करते थे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करते। नहीं, मैं आपका पूरा भात कॉलोनी का अंदर आपके ही आप स्मैक पिलवा कर रहे थे। कहने से ऐसा कहने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, आप तो पिलवा कर रहे थे। नहीं, कभी भी नहीं। तो काफी पैमाने पर काफी टाइम से था। ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसे कहने से थोड़ी कुछ होता है, दुनिया कहते रहे कुछ भी। तो आपका बात चाह मैं स्मैक न पलवा, स्मैक न चलती थी ना? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं। क्षेत्रवासी हो तो यही कहना है, कभी आज तक नहीं। क्षेत्रवासी तो कह रहा हूँ ना, क्षेत्रवासी नहीं कहते ना, कुछ लोग कहते हैं, बाकी क्यों कहेंगे? वो तो राजनीतिक है, इसलिए कहते हैं, उससे कोई बाकी थोड़ी, हमारा कोई मतलब थोड़ी है। सुबह को 5:30 बजे आपके घर पर जाओ, लाइन लग जाती है स्मैक की? एक भी नहीं लगती, कहीं भी नहीं लगती है, एक भी नहीं लगती, कोई भी नहीं लगती। नहीं, मैं लोग बार खुद कह रहा हूँ, हमारे पास लोग कहते रहे हूँ, लोग बार क्या मना करेंगे? कुछ लोग होते हैं कहने वाले, उन्हें कोई रोक लेगा क्या? वो तो राजनीतिक है, चुनाव आ रहा है, कहेंगे ऐसे पकड़ लिया आपको क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं वो तो कहेंगे इस तरीके से, क्योंकि पुलिस ने ऐसे कौन सा पकड़ लिया होगा? अभी पुलिस को कोई पूरे अधिकार है, कोई हमको मना कर देंगे पुलिस पकड़ने को? कोई रोक लेगा क्या? मैं कह रहा हूँ, कोई रोक लेगा क्या पुलिस को? मैं कह रहा हूँ, पार्षद रोक लेगा क्या पुलिस को कोई? ठीक। मुरादाबाद पुलिस द्वारा लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 6 व्यक्तियों को आदर्श नगर कॉलोनी थाना सिविल लाइन से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इनमें से एक मौजूदा पार्षद भी है। इनके पास से 52 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल और लगभग 12,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सर, क्या कीमत इसकी मानी जा रही है, ड्रग्स जो बरामद हुई है इसके पास नशीली सामग्री? अभी इसकी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे।